नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ, मैं हूँ कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूँ मंदार फणसे। मंदार, आज जैसे आप जानते होंगे देश भर में जो है मी टू कैंपेन के जरिए लड़कियां और महिलाएं अब हिम्मत करके सामने आ रही है और अपने साथ हुए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसे बयां कर रही है। लेकिन वहीं पर मंदार, बिहार में सहरसा के एक गांव में ऐसी ही दरिद्रगी के चलते 36 लड़कियां डर कर दुबक कर घर में बैठ गई है और यहां तक कि उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। और बिहार में बेटियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है कविता, क्योंकि दूसरों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कुछ मंचलों के कारण सहरसा की 30 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। बेहाल बिहार की इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के सुपौल की बेटियों का घाव अभी भरा भी नहीं था कि सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकभारो गांव की बेटियों का मामला फिर से सामने आ गया। इस गांव की लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दी क्योंकि घर से स्कूल के रास्ते में मनचले लड़कों का झुंड उन पर भद्दे कमेंट्स करता है और उन्हें छेड़ता है। हम लोग सिर्फ एक रास्ता है, उसी रास्ता से हम लोग जाते हैं। हर लड़की को वो गंदा गंदा गाली देता है, गंदा वीडियो सब दिखाता है और हम लोग अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। पूरे गांव की लड़कियाँ नहीं जा रही, काहे कि वो लड़का गाली से देता है, भोजपुरी गाना सुनाता है और कुछ से कुछ बोलता है, इसीलिए नहीं जाते, डर से नहीं जाते। रोज करता रहता है, सब लड़की के साथ ऐसे करता है। सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, अरे जनाब, बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। बिहार प्रशासन बिल्कुल सुस्त और गांव के ये मंचले अपने मंसूबों में चुस्त हैं। जगह जगह मचान बनाकर ये मंचले लड़कियों को छेड़ते हैं। जब लड़कियों के भाई ने अपनी बहनों की रक्षा करनी चाही तो मंचलों ने भाई को इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। बोले हम क्यों ऐसे कर रहा, तो बोला ऐसे ही करेंगे। उसके बाद बोले, उसके बाद मारपीट शुरू हो गया, जिनमें मेरा भाई का हाथ टूट गया। उसके बाद मुझे भी मारा, वो गमछी लपेट के, वो जो लड़का था उनका पापा भी आए, वो भी मारने लगे। अच्छा, जब भी जाती है स्कूल तो कमेंट कर? हाँ, जब भी जाती है, जैसा मतलब हर एक लड़की के साथ करती है वो लोग। इस मामले में जब वहाँ के पुलिस महकमे से बात की गई तो क्या कहना था उनका, आप भी सुनिए। कांड के लिए कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया, सघन छापामारी की गई। इसमें से टीम की सतर्कता के कारण दो अभियुक्त खगड़िया स्टेशन पर पकड़े गए। मुजफ्फरपुर, सुपौल और अब सहरसा, बिहार में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मेरा नाव का बड़ा सवाल, आखिर कब तक बिहार में बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा नाव। क्या बिहार की बेटी सुरक्षित है? कैसे पढ़ेगी बिहार की बेटी अगर उसे बचाने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर? अगर इसी तरह खतरे में जीती रही तो कैसे पढ़ेगी बिहार की बेटी? यही सवाल हम आज पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिस पूरी दुनिया मंदार इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मना रहा है और यहाँ पर बिहार में हम देख रहे हैं कि लड़कियां दुबक कर घर में बैठ गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इसलिए डर के बैठ गई है, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रही है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सैयद अफजल अब्बास, जो कि जेडीयू के नेता है, धनराज वंजारी जो कि एडवोकेट है और पूर्व एसीपी रह चुके हैं मुंबई के, और उषा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रही है जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन मंदार जी, बिल्कुल, इन 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 इनसे हम ज़रूर सवाल करेंगे। शुरुआत में हम पहला सवाल सईद अफजल अब्बास आप ही से करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से चिंता जताई जा रही है, एक के बाद दूसरा एक ऐसा मौका सामने आते हुए दिख रहा है कि जहां पे लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जो लड़कियां साइकिल से अपने स्कूल तक जाती है उनको टारगेट किया जा रहा है, और ये जो माहौल बन गया है, ये माहौल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हुए दिख रहा है। क्या यहाँ की सरकार का पूरा एक जो ध्यान इसके पहले दिखाई दे रहा था, खास करके लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो उपाय किए थे,
क्या आपको ये लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार का जो ये जो एक एक ग्रीप रहा है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, वो ग्रीप भी अब चला गया है? सैयद अफजल अब्बास जी, आपको सवाल है। जी जी फरमाए जी, बोलिए जी। वही है कि क्या क्या बिहार में किसी तरह का एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा? जी अब्बास जी बोलिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कल भी लॉ एंड ऑर्डर था, आज भी है, ऐसा नहीं है। नहीं मेरा मुझे लॉ एंड ऑर्डर कल भी था, आज भी है, और नीतीश कुमार जी की पहचान भी लॉ एंड ऑर्डर की, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। आप जहाँ तक उठा के देखिए महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात, उनकी तरक्की की बात, जितना नीतीश जी ने 13 साल में किया, आज जो लड़कियां रोड पे साइकिल चलाती हुई जो स्कूल में जा रही हैं, जो जो पढ़ने पे जो रेशियो, पढ़ने का जो रेशियो बिहार में बढ़ा लड़कियों के प्रति, आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार जी की देन है। तो मैं मानता हूँ कि घटना बड़ी निंदनीय है और जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है। मनचे लड़के जो हैं रोड पे आके लड़कियों के साथ छेड़खानी करके उन्होंने बात कर दिया कि वो स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जल्द ही वो सलाखों में होंगे और ये प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। और इस तरह की हरकतें जो लोग भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि इससे जो घटनाएं घटी, सामाजिक चेतना की जरूरत है। आज तक नौजवान लड़कों में जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से एक उसका भी एक समाज में इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक चेतना भी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, करेगा, करते आ रहा है, और नीतीश जी के रहते हुए कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, हालांकि वो बच्चे हैं, किसी धर्म समुदाय के भी लोग हों, वो बख्शे नहीं जाएंगे, मेरा अपना मानना है और अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है। जी आपने कहा कि लड़कियां अगर आज साइकिल लेकर स्कूल जा रही है तो वो इसी सरकार की देन है, मानते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दे कि अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये लड़कियां शायद साइकिल लौटाना चाहती है, इस तरह का दहशत जो है लड़कियों में फैल गया है। उषा ठाकुर, हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है बच्चियों के साथ। रुकिए, अब्बास साहब आएंगे आपके पास, दूसरों को भी बात करने दीजिए। उषा जी, हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ क्या हुआ, सुपौल में देखा, और अब सहरसा हो क्या रहा है बिहार में बेटियों के साथ, और वहां भी तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं वहां पर। और ये जो इस तरह का भाषण है देना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, नीतीश जी ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये भाषण तो नहीं है, ये हकीकत है, सामने आई है। लेकिन अब्बास जी, आप बीच में रुकिए तो बेहतर होगा अब्बास जी। हाँ अब्बास जी, लड़कियों को, महिलाओं को बोलने दीजिए। बिहार में हर एक जगह ये स्थिति, अब्बास जी, बोलने का कि महिलाएं बोलती है वहां, बिहार का ये संस्कृति दिखा रहे हैं अपने, उसका स्टेट का, अपने सरकार का वो दिखा रहे हैं कि महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है, वो मैं देख चुकी हूँ। बोलिए बोलिए उषा जी आपकी बात रखिए पहले। राष्ट्र कवि दिनकर की बहू गई थी नीतीश कुमार के, उन्होंने बुरी तरह बात किया उनके साथ, यही तो तमीज है आप लोगों की। नहीं, बात रखिए आपकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो कुछ बातें प्रकाश में आई हैं, लेकिन लगातार देखिए, पूर्णिया में भी कुछ दिन पहले एक प्रिंसिपल की हत्या हो गई थी, उस समय वहां कुछ नेता थे, विगत दो तीन साल नीतीश कुमार के राज्य के समय ही थी। उसके बाद लगातार ये जो बच्चों के की घटनाएं होती रही, मुजफ्फरपुर वाली जो शेल्टर होम की घटना थी, उसके बाद इस विद्यालय की घटना, इसका मतलब पूरी अराजकता है, कोई न्याय और कानून नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता को बचाते हैं, देश और जनता और समाज से कोई मतलब नहीं है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ेंगी ही नहीं तो बचेंगी कैसे? जवाब दीजिए इस बात का। उषा जी, बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे, ये सवाल पूछना हाँ। होगा। धनराज वंजारी भी हमारे साथ है। धनराज वंजारी, ये बताइए, यहाँ पर अगर आप लड़कियों की बात सुने तो लड़कियों का कहना है, उनका बेटी घर से नहीं निकलती है वहां पर। जी, मैं पूर्णिया जाती हूँ, सहरसा जाती हूँ, मुजफ्फरपुर जाती हूँ, कोई भी शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, चौक पर गुंडे सरेआम लड़कियों पर हस्तक्षेप करते हैं, उन पर छींटाकसी करते हैं, बिल्कुल दुबकी हुई सी चलती हैं। ये सब बात ये लोग यहाँ मंच पर बैठने से पहले देखें कि क्या होता है बेटियों के साथ। मैं कितनी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ साथ में गई हूं जहां उन्हें जाना होता है।
जी बिल्कुल उषा जी, वो जो... बिल्कुल वहाँ पर इस तरह से हैं जैसे हाथ पांव नहीं है, कोई तोड़ देगा, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी डरे रहते हैं इन लोगों से। जी धनराज वंजारी, यहाँ पर लड़कियों का कहना है, लड़कियों का परिवार के लोगों का यही असर होता है जो दिखाया गया है, अराजकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, सिर्फ नेता ही नेता चारों ओर है, सिर्फ बातें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी उषा जी, उषा जी आएंगे आपके पास आएंगे, लेकिन धनराज वंजारी ये लड़कियों का कहना है, उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से जो है इस तरीके का हैरेसमेंट उनका हो रहा था, लड़के झुंड बनाकर रोड पर खड़े रहते थे और इन्हें इस कदर हैरेस करते थे। सामने आ रहे। जी जी अगर आवाज, धनराज वंजारी आवाज आ रही है आप तक? जी चलते हैं अब्बास साहब। हाँ, आ रही है आवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी धनराज जी, मेरा सवाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से, बोलिए 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 आप बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से ये वारदात आज सामने आई है बिहार में, जहाँ पर 36 गर्ल्स हैव रिफ्यूज टू गो टू स्कूल क्योंकि उनकी हरासमेंट होती है, और जिस प्रकार से अभी उषा जी ने इस मुद्दे को बरकरार रखते हुए सामने बात की है कि वहाँ उन्होंने खुद ये महसूस किया है कि जहाँ चप्पे चप्पे पे जाओ तो गुंडे मसलन बैठे हुए है, और वो लड़कियों की छेड़खानी करने में, उनके आते जाते टॉन्टिंग करने में मशगूल रहते हैं, इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। सही में देखा जाए तो बड़ी गंभीरता से ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन का है कि क्या वहाँ की पुलिस पूरी तरह सो चुकी है। हमारे पुलिस महकमे में कोई पेट्रोलिंग की सिस्टम नहीं है कि लड़कियों के आने जाने के समय पे कोई पेट्रोलिंग वहाँ लगाई जाए। मुस्कंडे जो खड़े हुए हैं चौराहा पे, उन मुस्कंडों से पूछा जाए कि भैया यहाँ खड़े क्यों हो, और कोई ऐसी कारण नहीं है तो आपको शक में हिरासत में लिए भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर बड़ी ही प्राथमिक तौर पर पुलिस अपनी नीति को निभाए, पुलिस अपने काम को अंजाम दे, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आज इस समस्या ने अगर इतना गंभीर रूप ले लिया है कि 36 छात्राएं महिलाएं घर में बैठी है, इसका मतलब है कि हम एक डेमोक्रेसी स्टेट है, वहाँ से क्या हम किसी घिनौने राष्ट्रवाद और धर्मवाद की तरफ जाकर अपने आप को इतना अनुन्नत कर रहे हैं? हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें उन्नति की तरफ चलना है। ये छोड़कर अगर हमारी छात्राएं पढ़ेगी नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम किस प्रकार का समाज कल यहाँ चाहते हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और अब्बास जी, आप ये कहे, आप इस बात को एड्रेस करें कि ये क्यों हुआ, क्या स्कूल के कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट इस प्रकार से नहीं जाते थे? हर महीने में स्कूल का इंस्पेक्शन होना वाजिबी है, वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, सामाजिक न्याय विभाग के हमारे रूल्स है, इनके रूल के तहत जो संस्थाएं बनी हुई, जो शासन का पूरी तरह तनख्वाह इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मिरर 9 ने इसको उछाला है, पूरे राष्ट्र आज, पूरा देश इस चर्चा को सुन रहा है, तो क्या हमारी सिस्टम काम नहीं कर रही है? और ये सिस्टम जो काम नहीं कर रही है, सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू मिस्टर अब्बास, आप इसकी तय तक तहकीकात करवाइए, और उसके बाद में जो जो इसके गुनहगार है, जिन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह फर्ज नहीं निभाया है, उनके ऊपर सबसे पहला कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उसके बाद में पुलिस को सामने रखकर एक निर्भयता का वातावरण तुम्हें बनाना ही होगा, तभी तुम्हें निर्भयता का मुद्दा उठाया है, और वो निर्भयता का जो मुद्दा है वो लड़कियों के के लिए सबसे अहम है आज की तारीख में। अगर बिहार में जिस तरह से उषा जी ने भी ये मुद्दे उठाए हैं, अब्बास जी क्या आप ये मानेंगे कि जो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से एक 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 पुलिस बल का वहाँ पे एक प्रयोग होना चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पे ये जो गुंडे हैं उनके ऊपर दहशत होनी चाहिए सरकार की, पुलिस की, क्या ये पूरा जो एक माहौल है वो पूरी तरह से आपके हाथ से फिसल गया है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं फिसला है, लेकिन आपकी बात जो आपका सलाह आपका मशवरा जो एडवाइस है बिल्कुल मैं उसके काबिले तारीफ है। मैं एडमिट कर रहा हूँ कि अगर पुलिस वहाँ पे थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा एक्शन में आई होती या फिर इस तरह की बात होती तो मैं ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसके पहले भी आप ये 4 साल से ये गुंडे मवाले जो भी घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लड़की के परिवारों को भी आगे आना चाहिए था। अगर ये 4 साल पहले जब शुरुआत हुई थी उस वक्त भी ये लोग अगर कहे होते तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट गया होता तो ये एक्शन इमीडिएट एक्शन होगा और जो लोग ने गलती की है उसको सजा मिलेगी। जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात है बिल्कुल जो दोषी हैं जिनके चलते हुआ है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूं और ये ठीक घटना को और मेरी मेरी बात सुनी। मेरी बहन कोई बोल रही थी कि बिहार की संस्कृति, बिहार की संस्कृति नहीं, माफ कीजिएगा, बिहार वो संस्कृति, बिहार की संस्कृति ये नहीं है। लेकिन कुछ मवाली कुछ गुंडे लफंगे जो लड़के आज रोड पे आके माँ बहनों की माँ बहनों के साथ छेड़खानी करे इसको बिहार की संस्कृति से मत जोड़िए आप। ये तोहमत लगा रही अपने बिहार पे आप, ये गलत बात है। हाँ ये घटनाएं घटी बाकी काबिल मुजम्मत है, तनकीद की जाए भर्सना की जाए बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की निगाह अभी वो लोग जेल के सलाखों में होंगे। मेरी अभी अभी आपके चैनल से पहले सहरसा एसपी से मैंने बात किया है जी। अब्बास जी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने कहा कि लड़कियों की के परिवार वाले सामने क्यों नहीं आए, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ क्योंकि लड़कियों ने घर में ये बात बताई नहीं और बात उन्होंने रुके 4 साल पहले से उस वक्त नहीं लड़कियां 4 साल से चल रही है ये बात, लड़कियों ने घर में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था भी एक पता था मर्डर सरेआम हो गया था। जी जी उषा जी, उषा जी थोड़ा 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 सब्र करिए, अब आप बीच में अगर उन्हें टोकोगी तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको बता दे लड़कियों ने घर में बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो घर पे बताते तो उन्हें रोक दिया जाता स्कूल जाने से, और वही हुआ। जब ये मारपीट हुई, जब उनके भाई का हाथ तोड़ा गया तब उन्हें घर में बिठा दिया गया। साथ कह रहा हूं कि फिर लड़कियां उसी स्कूल में पढ़ना जाएंगी और आपके ऑन एयर चैनल पर नेशनल चैनल बोला फिर लड़कियां वही लड़कियां जो 36 लड़कियां नहीं जा रही है फिर उसी स्कूल में पढ़ेंगी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार आगमन करके बैठी हुई नहीं है लड़कियों के लिए। उषा ठाकुर अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते तो सिक्योरिटी भी दीजिए। उषा ठाकुर ये बताइए अगर 4 साल से चल रहा है, एक सेकंड अब्बास जी एक सेकंड, एक हिंदुस्तान का कोई राज नहीं है कि एक एक के पीछे एक पुलिस लगा दिया जाए, लेकिन 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 वहाँ के लोकल थाने की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी निगाह रखे ऐसे लफंगों को पकड़ के जेल के सामने करे। जी जी एक सेकंड धनराज वंजारी आप पूर्व एसीपी रह चुके हैं, आप पुलिस में रह चुके हैं, ये बताइए रुकिए नहीं उषा जी आ रही हूँ आपके पास। धनराज जी ये बताइए, इन्होंने अभी जो बताया कि एक के पीछे एक पुलिस हम लोग नहीं रख सकते, ये हम भी मानते कि नहीं रख सकते, लेकिन अगर 4 साल से लड़कों का झुंड लड़कियों को छेड़ रहा है, रोज छेड़खानी कर रहा है, तो क्या उन लड़कों को पकड़ा नहीं जा सकता? क्या पुलिस वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें पकड़े? बिल्कुल बनती है, ये बात तो जायज है कि हर इंसान के पीछे भारतवर्ष में पुलिस नहीं लगाई जा सकती, और अगर ऐसा हो गया तो वो डेमोक्रेसी स्टेट नहीं रह जाएगा, वो डिक्टेटोरियल स्टेट हो जाएगा, ये अब्बास जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर कोई सामाजिक बीमारी जो गुनाहगारी से ताल्लुक रखती है 4 साल से पनप रही है, देखिए अब्बास जी पुलिस के पास में सबसे बड़ा शस्त्र होता है एडवांस इंटेलिजेंस, एरिया में हमारी खुफिया पुलिस होती है जो मुफ्ती कपड़े में वहाँ पे घूमती है, वो इस बात का पता लगा है कि किस एरिया में कौन कौन से मुस्कंडे किस किस प्रकार की हरकतें करते हैं जहाँ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारी पुलिस सक्षमता से देखो 10 पुलिस है 1 लाख को कंट्रोल करने का ये कानूनन फर्ज निभा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के पीछे पुलिस लगाया जाए, ये बात में कुछ रखा नहीं है। दूसरी बात अब्बास जी आपने जो कही है
वो बात जायज है एक सामाजिक तरीके से कि भाई लड़कियों के माता पिता या लड़कियों ने यह बात क्यों नहीं बताई, लेकिन आप अपनी शासन, अपने गवर्नेंस, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन की जिम्मेदारी रखते हुए ये बात कहिए कि ये अगर आप लड़कियों के माँ बाप से अपेक्षा रखते हैं कि उन्होंने आकर बताना चाहिए या लड़कियों ने बताना चाहिए, मेरा सीधा सवाल है क्या ये बात स्कूल के टीचर, लड़की स्कूल में नहीं आ रही है, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के पर्यवेक्षक जो हमारे सुपरवाइजर है जो गवर्नमेंट की तनख्वाह पाते हैं, उनके समझ में ये बात चार साल से क्यों नहीं आ रही? भाई हम हमारी प्रशासक की ये जवाबदारी को रखकर, सामने रखकर बात करें। आज देश सुन रहा है आपकी बात, आप शासन के प्रतिनिधि यहाँ पे हो। अब्बास जी, मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारी सिस्टम को अगर हम ठीक कर दे तो आज भी हमें उम्मीद है कि भारत रियली बड़ा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम इसमें महिलाओं को पूरी तरह। जी जी धनराज जी, जो आपने बात उठाई है बिल्कुल किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन उषा जी ऐसा क्या हो रहा है आपके हिसाब से? थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि क्या माहौल में बदलाव किस तरह से आया है, क्यों आया है? क्योंकि पिछले इसमें राजनीतिक बात नहीं है, क्योंकि हमारी लड़कियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, इनको ये सब भुगतना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी प्रकार के लोग होंगे, सभी प्रकार के लोग हैं जिनको जिनको जिनके घर में महिलाएं लड़कियां हैं, इनको ये इससे गुजरना पड़ता होगा। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी खामियां रही है जिसकी वजह से ये सब बातें बढ़ी है? देखिए खामियां ये हैं, आप चार साल पहले का पन्ना पलटिए, जहां खुले आम एक स्कूल की प्रिंसिपल को मार दिया गया था जान से, और उस समय वहां जेडीओ के कुछ नेता वहां के गेस्ट हाउस में थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं। उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होती रहीं। मैं बिहार गई थी, मुजफ्फरपुर मैं बता रही हूं, तो मैंने देखा कुछ लड़कियां बहुत डरी हुई सहमी हुई थी, बोली हम वहां तक नहीं जा सकते हैं, हमको लड़का सब छेड़ता है, ऐसे ही बोली। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूं। मैं गई तो देखा एक पुलिस खड़ा होकर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। मैंने कहा अरे यहां पर ये सब गुंडा सब खड़ा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर? तो मुस्कुराने लग गया, अरे ये तो इन लोगों का रोज का काम है, हम कितना को संभालेंगे, ये पुलिस का कहना था वहां के। तो आप बताइए जब पुलिस ही इस तरह से आंख बंद करके रहेगी, अगर एक पुलिस भी स्ट्रिक्ट हो जाए और सही हो जाए तो मजाल नहीं है कि किसी लड़की के साथ ऐसी छेड़खानी हो, उसके भाई के साथ ऐसे खुलेआम मारपीट हो। ये तो पत्थर युग है, अराजकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, जहां पर एक बलवान कमजोर को मार के खा जाता है। जी जैसे कि तो आपने जैसे कि प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि प्रशासन में यही है कि अपनी कुर्सी बचाओ, बेटियां जाए भाड़ में, ये सब तो दिखाने का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत से बैनर और सब कुछ लेके महिलाएं हैं कि हम बेटी बचाओ का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर। कल ही मैं मिली हूं कुछ महिलाओं से, पॉलिटिकल से, लेकिन कहां ये बेटियां बच रही हैं, कहां पर बच रही हैं? यूपी में, बिहार में, मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर के ही जो उस केस के लिए मैंने जो अनाथाश्रम के लिए आवाज उठाई, तो लोगों ने कहा कि आप व्यर्थ उठा रही हैं, वो तो गलत आरोप उस पर लगाया है, पॉलिटिकल आरोप लगाया है। जी, कुछ उषा जी, एक, एक, एक मुद्दा जो आपने उठाया है हर लेकिन इस मुद्दे इस तरह से लिपा पोती की नहीं करना चाहिए। अगर गलत अपने बिहार का हो तो उसको भी कहना चाहिए गलत है, परिवार का उसको कहना चाहिए गलत है जो गलत होगा। जी उषा जी, जी दर्शक जुड़े हमारे साथ, दिलीप कुमार ने फोन किया है मुंबई से। दिलीप जी बताए। Yeah, I mean, my this thing to may ask to Mr. Abbas, the today's current government. जी बोलिए। Yeah, this government representative. I have seen this gentleman to appeared in this your television, your channel, and is a shameless man, and he does not have any representation. See the way he is talking, he is trying to protect. आप निजी तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। आप हम भी देख रहे हैं उन्हें बात करते हुए, तो आपका जो शब्द आपने यूज किया है उसे थोड़ा सख्ती से इतना ना पेश आए तो बेहतर होगा। That's okay. ठीक है, but I try to. But then you must, when is happening this kind of thing? Even this our prime minister slogan, we know what is that? That these people, when you have police, you have everything infrastructure. What is stopping you? What is stopping you to find out on this? He has given the example that police. I cannot put the police in every man, every against behind every man. Who has said this?
बिकॉज वी देर इज अ 24-25 स्टेट्स इन इंडिया. जी से बात करिए. तो जी, 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 दिलीप जी, दिलीप जी, जी थैंक यू. अब्बास जी, दरअसल मंदार यहाँ पर एक सेकेंड, उषा जी आएंगे आपके पास. क्या बोला था जी मंदार यहाँ पर? उषा जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई और दिलीप जी ने भी उसी. जी जी, सवाल आपसे ये है अब्बास जी, अब्बास जी एक सेकेंड, सवाल आपसे ये है जो उषा जी ने बताया, इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब पुलिस क्या बोल रहे हैं, जब पुलिस खुद हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, उनके सामने लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है और पुलिस ये कह रही है कि अरे ये तो रोज होता है, इनका रोज का काम है, और उसे नजरअंदाज कर देती है, तो फिर आपकी पुलिस कर क्या रही है? कैसे बचेगी बिहार की बेटी, बताइए. देखिए ये उषा जी कहां की बात कर रही है, खुद उनके सामने गुजरी हो, जाहिर सी बात गलत नहीं बोलेंगी. लेकिन नहीं, मैं तो विदेश की बात कर रही हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ टीवी पे कौन बोल रहा है. मैं पूर्णिया की बात कर रही हूँ, आपके साथ गुजरी, आपने देखा. नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, चार बार जाती हूँ साथ में, एक एक करके बात कर रही हूँ. उषा जी एक एक बात रख रही है, बात के ऊपर आपको अवसर मिलेगा बात करने के लिए. अब तमाम की बात उषा जी सुनिए थोड़ा, तो मान रहा हूँ मैं, कहाँ कर रहा हूँ. अब्बा जी, अब्बा जी, आप ये मानने के, एक सेकंड, आप ये मानने के लिए राजी हो या नहीं? घटना बता रही है अब्बास, अब्बास जी, अब्बास जी, उसने कहा ना दोषी है. अब्बास जी, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि सर कंपनी का रेस्क्यू करें? नहीं नहीं, एक सेकंड, बिहार एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते, उसने ऐसा कहा तो आपको ऊपर से कंप्लेन करना चाहिए था. मैं पूरा कंप्लेन करती हूँ, हर जगह जहाँ जाती हूँ, आप क्या मुझे फर्ज समझाएंगे? आपका फर्ज बनता था, 30-35 साल से कर रही हूँ. अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी, नहीं, अब्बास जी, आप उन्हें अपना ड्यूटी मत सिखाइए. अब्बास जी, अब्बास जी, आप उन्हें अपनी जिम्मेदारी मत सिखाइए. मुझे वो नागरिक है, वो बोल सकती है. हर एक बच्चे अब्बास जी, समाज के लोग नहीं उठ के आगे आएंगे कैसे? अब्बास जी नागरिक नहीं, मैंने काम किया है, मैंने अब्बास जी अभी भी 500 बच्चों को छुड़ाया है. अगर वो थानेदार पुलिस ने कहा कि ऐसे ही होता है, वो दोषी है. लेकिन आपका भी फर्ज बनता था कि आज हाई अथॉरिटी को फोन करें या उसको बताएं कि सही घटना है. अरे अब्बास जी, आप सुनेंगे, हमको भी आगे आना पड़ेगा, समाज के लोगों को भी आना आगे. नहीं, वो तो आगे आ चुकी है, वो हमेशा से आगे आती रही है. ऐसा क्या है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे करेंगे निठारी कांड 3 साल. अच्छा, एक ही सवाल है अब्बास, अब्बास जी, आपको एक ही सवाल है, आपको बताइए तब मुझे अपना मेरा कर्तव्य समझाइए. मैं अच्छी तरह अपना कर्तव्य समझ, बिल्कुल अब्बास जी, देश के प्रति, अब्बास जी, यहाँ के बच्चों के प्रति, यहाँ के नागरिकों के जी. उषा जी एक सेकंड के लिए, उषा जी, उषा जी थोड़ा सब्र रखिए, एक सवाल सीधे करना है. अब्बास जी, आप ये मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना में जवाब दीजिए. मुझे मेरा कर्तव्य क्यों समझा रहे? नहीं नहीं, एक सेकंड उषा जी, हम उन्हीं को सवाल कर रहे हैं, काम कर रहे हूँ उन्हीं को सवाल कर रहे हैं. के लिए बिहार में जब मर्डर हो रहा था तब भी वहाँ गई थी जी उषा जी, उसमें कोई संदेह नहीं है. एक सेकंड के लिए अब्बास जी को एक सवाल पूछना है. अब्बास जी, आप ये मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना में जवाब दीजिए, कि बिहार में लगातार क्राइम का रेट बढ़ते लगा है. जो आंकड़े है अब्बास, अब्बास जी शांति से थोड़ा बात कीजिए, सुनिए क्या हो रहा है बिहार में. आप लगता है कि सत्ता की आगोश में आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लगातार ये सवाल जो उठ रहे हैं आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में देना पड़ेगा. कम से कम आप ये मानते हो या नहीं कि आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार आंकड़े जो है गुनहगारी के जो है वो बढ़ रहे हैं, और खास करके किडनैपिंग के आंकड़े बिहार जैसी जगह पे फिर एक बार किडनैपिंग इतना बढ़ चुका है, 100% से बढ़ चुका है, जो कि पहले 13,000 था, आज 28,000 तक का की वारदातें सामने आ चुकी है. तो आप ये नहीं मानते हो कि बिहार की जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल खस्ताहाल है, ये कम से कम मानते हो या नहीं हो? देखिए नहीं मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं. मैं आपके इस चैनल पे मैंने 2-3 बार नहीं, पहले लगातार मैं डिबेट में आया हूं. मैं कह रहा हूं कि इधर घटनाएं कुछ बड़ी हैं, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा हूं. क्राइम भी कुछ बड़ा है, दुगना बड़ा है, क्राइम दुगना बड़ा के बाद ठीक है, कहीं कुछ हो जाए तो मैं नहीं कर सकता. लेकिन क्राइम होने के बाद से पुलिस एक्शन में आई कि नहीं आई, पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, FIR हुआ कि नहीं, जेल के सलाखों में गए नहीं. अगर हमारी सरकार की मंशा है थोड़ी नहीं है कि हम क्रिमिनल को या अपराधी तत्वों को पुष्पनाही करें, हमारी मंशा है कि घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो जो घटना जिन लोगों ने किया वो जेल के सलाखों में जाए, सरकार इस पर प्रतिबद्ध है जनता के पीछे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि घटना बड़ी, मैं मान रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है अब्बास जी, अब्बास जी ये बताइए, ठीक है अब्बास जी, भी घटना जी मान लेते हैं और जेल के सलाखों में लोग, अब्बास जी मान लेते हैं कि आपकी सरकार
जो है प्रतिबद्ध है सारे क्रिमिनल्स को जेल के सलाखों के पीछे रखने के लिए। ये बताइए कि जितने रेप केसेस हुए हैं बिहार में पिछले 4 साल में, उसमें कन्विक्शंस कितने हुए, कितने लोगों को आपने सलाखों के पीछे डाले हैं, सजा कितने लोगों को सुनाई है? देखिए, इनको नहीं मालूम होगा कुछ बेचारे न्यायिक, देखिए वो तो डाटा भी मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर काम हो रहा है। और मैं डाटा लेके नहीं, सवाल होता मैं डाटा देता था आपको, लेकिन जो जो कानून अपने दायरे में काम करा, कानून अपने दायरे के अनुसार जो भी हो, रेप ही नहीं हो, रेप के अलावा बलगरी हो, डकैती हो या मर्डर हो, सब पे एक्शन हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं फिर कह रहा हूँ कि इधर लगातार कुछ दिनों से आए दिन एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो बिहार की सरकार सरकार के लिए एक सोचने का विषय बन गया है। और मुख्यमंत्री की पहचान यही है, लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, उससे समझौता करने वाले नहीं हैं। आप जो भी कर लें, मुजफ्फरपुर की घटना की बात कर लें, पहली बार वो हिंदुस्तान का पहला राज है जो टीस के जरिए अपने टीस के जरिए ऑडिट करा के, और जो आपके मुजफ्फरपुर शेल्टर की बात की गई ठीक है, सीबीआई की जांच की नीतीश कुमार ने खुद कराई, हाईकोर्ट के निगरानी में केस की जांच हो नीतीश कुमार जी ने किया, ये करना ही पड़ता है। की मंशा पे उंगली आप नहीं उठा सकते नीतीश कुमार जी पे, घटनाएं बड़ी है मैं मानता हूँ, नहीं होना चाहिए और चुस्त में बैठे हैं, जनता ने उनको जिताया है जी, अब्बास जी मुख्यमंत्री बना है तो करेंगे नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब्बास जी, अब आपके पास आंकड़े नहीं थे, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। 2017 का रिपोर्ट है, रुकिए रुकिए, रुकिए, मैंने तो जनता, अब्बास जी आप किसी को बात करने देंगे? अब्बास जी दिक्कत यही है कि आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। सुनिए, नहीं नहीं ये महान आपके मुख्यमंत्री, रुकिए सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए अब्बास जी, ये आपके मुख्यमंत्री का कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है 2017 में, उनका कहना था कि डेटा शोज द रेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल्स इन द कोर्ट्स स्टार्टेड फॉलिंग 7 years ago, वी हैव फीडबैक फ्रॉम पीपल दैट पीपीज हैव नॉट बीन प्रेजेंटिंग देयर फैक्ट्स फुली नॉर हैव दे बीन टेकिंग केसेस टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन। ये एक वर्कशॉप में मुख्यमंत्री ने बताया था, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर एक वर्कशॉप था बिहार जुडिशियल एकेडमी में, और ये है बात 2017 यानी पिछले साल दिसंबर की, दिसंबर से लेके अब जो है सितंबर 2018 हो गया है। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, और एक आंकड़ा आपको बता देती हूँ, पॉक्सो केसेस जिसके तहत ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं, पॉक्सो केसेस में बिहार का सबसे कम कन्विक्शन रेट है, 3.05% कन्विक्शन रेट है। ये बताया, अब बताइए कि क्या आपकी पुलिस काम कर रही है, क्या आपकी न्याय प्रणाली काम कर रही है? देखिए, पुलिस तो आप कैसे कह सकती है कि कुछ घटनाओं के बाद पुलिस काम नहीं कर रही, कहीं कहीं ना कहीं पुलिस में कहीं कुछ लोगों में निगलेंसी होगी तो उसकी सजा भुगते। आप देखिए कई घटनाएं जिसमें कई लोग पुलिस वाले को भी सस्पेंड किया गया, पटना में कई घटनाएं घटी, कई लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, कई लोगों नौकरी से निकाला गया, तो ऐसा नहीं पुलिस काम नहीं की, जो लोग लापरवाह है उसको भुगत रहे हैं पुलिस, सारे पुलिस, अब पुलिस व्यवस्था कोई भी इल्जाम लगा देना ये भी उचित नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हैं जो जिनकी निगलेंसी की वजह से घटना घटती है, वो सजा भी उनको सरकार देती है, उनके बड़े पदाधिकारी देते हैं। आप उठा के देखिए सजा दे रहे, आप किसको सजा दे रहे, हम ये जानना चाहेंगे। शांतनु फोन लाइन पर है गुरुग्राम से, शांतनु जी बताए। मैं शांतनु, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। हेलो जी, बोलिए। हाँ, पूछना चाहता हूँ कि आपके पैनल में आप लोग पॉलिटिशियंस को क्यों लाते हैं, आप लोग ये पुलिस के इंचार्ज को क्यों नहीं लाते हैं इस पॉलिटिशियंस में? पॉलिटिशियंस गाइड जी, शांतनु जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको बता दें कि आईपीएस ऑफिसर्स जो है पैनल्स पर आते नहीं है, वो इस तरह बैठकर बयान नहीं दे सकते, बल्कि हमारे साथ इस वक्त वंजारी साहब है जो पूर्व एसीपी रह चुके हैं। वंजारी साहब, क्या क्लियरेंस मिलता है आईपीएस ऑफिसर्स को अपने कार्यकाल में इस तरह के पैनल डिस्कशन में आने के लिए? नहीं, ऐसे तो परमिशन मिलती नहीं है, वर्किंग ऑफिसर जो है यह ऐसे इसमें शिरकत नहीं कर सकते, यह बात जी भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैं दो बातें खास करके कहना चाहूँगा कि जैसे उषा जी ने एक ध्यान बटोरा है इस बात की ओर
कि उन्होंने एक मिसाल बताया और वहाँ पुलिस वाला चाय पी रहा था और कह रहा था कि देखो ये तो रोज का है। अब इसमें यह है कि पुलिस सही माने में आवाम की हकीम होती है, लेकिन हकीम ही अगर मर्ज हो जाए तो हमें उस मर्ज का भी इलाज करना चाहिए, और इसीलिए हमारे शासन प्रशासन प्रणाली में होम डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री है, ये इसकी तहकीकात करे और उस पुलिस वाले जो वहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे हैं उनको सही तरीके से ठीक कराए, या हो सकता है उन्हें प्रशिक्षण न हो, उन्हें ट्रेनिंग कराए, उन्हें अच्छा उनका दर्जा दिलाए। महिलाओं की इज्जत क्या होती है, पुलिस कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, पुलिस की नीतिमान क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर उस उन्हें अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, ये एक बात है। दूसरी बात है, जैसे कविता जी ने मुद्दा उठाया कि आपकी कन्विक्शन रेट है वो मिनिमम है 3%, मैं समझता हूँ बहुत ही कम रेट है। महाराष्ट्र की देख लीजिए कि 19 तक गई है, 11 थी एक ज़माने में, तो हम इसको एनहांस करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर पुलिस तहकीकात करके बतौर सबूत अगर किसी मामले को कोर्ट में पेश करती है तो वहाँ पे कन्विक्शन आने हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, महज खाना पूर्ति करने के लिए अगर हम तहकीकात करें और उसको सही तरीके से कोर्ट के सामने पेशी न लाई जाए तो हमारे कन्विक्शन रेट ना आएगी। दोनों मामले में हमको पुलिस की सक्षमता पे बहुत ज़्यादा जोर देना होगा, ध्यान देना होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जब चार चार साल ऐसा एक आवाम का मर्ज पल रहा है तो स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट के एजुकेशन और सामाजिक सुरक्षा विभाग के पर्यवेक्षक, जिनका जाना काम है वहाँ पे तहकीकात करना काम है, रिपोर्ट देना काम है, अगर एक लड़का स्कूल में नहीं आता है, लड़की नहीं आती है, तो हम उसका जाके इंक्वायरी करते हैं कि आप बीमार थी क्या, अगर वो कहती है कि मैं बीमार थी तो हम डॉक्टर की पर्ची मंगाते हैं। ये हमारा तरीका है, ये हमारी प्रोसीजर है, इसी तहत हमारी सारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अब्बास जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पर हमारे प्रशासकीय दुर्लभता का है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा प्रशासक सही तरीके से शिक्षा प्रणाली में अंजाम नहीं दे रहा है, हमें उसे ठीक करना होगा। प्रॉब्लम है ये, हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, और आपने अभी उसको तहजीब भी किया कि सही बात है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को जड़ कहाँ है उसको देख कर अगर हम कोशिश नहीं करेंगे होती रही। जी वंजारी साहब, जी उषा जी, उषा जी, आखिर में ये हमें बताइए कि हमें ये बताइए, एक और क्षेत्र बिहार के क्षेत्र की घटना बताऊंगी पुलिस संबंधित, अररिया की घटना बताती हूँ। वहाँ मैं गई थी तो देखा कि हर बार कुछ पुरुष लोग कुछ औरतों को और बच्चियों को पीटते थे बुरी तरह, और पुलिस आके पैसा खा के चली जाती थी। तो मुझे बुलाया गया, मैं गई तो पुलिस बैठा रहा कुर्सी पर। मैंने कहा तू बैठा क्यों है यहाँ पर, यहाँ पिटाई हो रही है, औरतों को लहू लुहान कर दिया गया और तुम बैठे हुए हो। तो बोला नहीं, हम देख रहे हैं कि कौन सही है कौन। हमने कहा जो पिटा हुआ है, जो लहू लुहान है, उसको वो उसको देखो और बाकी को अरेस्ट करो। तो बहुत दबाव डालने पर मैंने उन बिहार पटना फोन किया, मुख्यमंत्री की एक बहन है रंजू गीता, जेडीयू की है, और तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद से वहां शांति हो गई, मारपीट बंद हो गई। लेकिन इस तरह से हर एक स्टेट में पुलिस का यही हाल है। पुलिस अपने कर्तव्य जो उनका है रक्षक, वो रक्षक नहीं है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको ड्यूटी दी जाती है। उषा जी, उषा जी, वक्त वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, हमारे जैसे अब्बास साहब को आखिरी खत्म रहेंगे तभी पुलिस कुछ करेगी क्या, ऊपरी दबाव डालेंगे तभी। जी जी उषा जी, उषा जी, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। अब्बास साहब, जो भी मुद्दे इस चर्चा में सामने आए हैं, आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की लापरवाही है, कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कि लफंगों को यहाँ बिहार में एक तरीके का लाइसेंस दिया गया है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो होम मिनिस्टर है नीतीश कुमार उनकी नहीं है क्या? बिल्कुल उनकी है, क्योंकि वोट के लिए वो लोग किसी गुंडे को। जी जी, अब्बास जी को बोलने दीजिए, अब्बास जी को बोलने दीजिए, जो भी बात होगी सब जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी, सरकार के मुखिया, बिहार के मुखिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सारे पुलिस अफसरों को कहा ठीक नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों की निगलेंसी होगी या है भी, जिसके बुनियाद पे हुआ, और वो उस पर कड़ी से कड़ी एसीपी साहब ने जो कहा बिल्कुल सही सुझाव दिया कि आज जरूरत है कि आप पुलिस वाले भी अपने आपने दायित्व को समझें,
सिर्फ एक आदमी से पूरा देश या प्रदेश नहीं चलता है, हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि जहां अपने दायित्व का निर्वहन करे। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और जो लोग गलती करे, जब पुलिस अफसर हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्कूल के लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे। मैं बात को मानता हूँ। चलिए, आप बात को मान लिया आपने, यही बड़ी बात है। लेकिन अब्बास साहब, हम उम्मीद यही करेंगे कि नहीं, हम उम्मीद आपसे यही करेंगे। मैं रुकिए अब्बास साहब, हमारे पास वक्त नहीं है, चर्चा खत्म हो गया है, माफ कीजिए। बड़ी बात यह है कि आप ये बात मान गए हैं, अब उम्मीद ये करेंगे आपसे कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले। दो लड़के अब भी फरार है इस केस में, उन लड़कों को पकड़ना जरूरी है। ये जो चार लड़के जिन्होंने इन लड़कियों को डराया, धमकाया है, हैरेस कर रहे, उनको उनका कन्विक्शन होना जरूरी है और उन्हें सजा होनी चाहिए। और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर नीतीश कुमार लगातार जो बातें करते हैं, उनको उन बातों के साथ साथ उन्होंने एक्शन में ये सब दिखाना चाहिए कि बिहार की जो बेटियां हैं वो बचनी चाहिए और उन बेटियों को संरक्षण जिस तरह से देना चाहिए जी, वो जल्द से जल्द उन्हें मुहैया कराना चाहिए जी। दरअसल बंदर, यहाँ किसी बिहार के शासन को, बिहार के सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि लड़कियों को सिर्फ साइकिल देने से वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत अच्छा काम किया आपने, लड़कियों को साइकिल दे दिया, लेकिन आपको सड़कों को, शहरों को, गाँव को उतना ही सुरक्षित बनाना पड़ेगा ताकि ये लड़कियाँ जो है हिम्मत करके वो साइकिल ले, साइकिल पर बैठे और साइकिल चलाकर स्कूल जाए। क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं जाएगी, जब तक वो पढ़ेगी नहीं, तब तक वो बढ़ेगी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार की बेटी आगे बढ़े, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले बिहार की बेटी को आप सुरक्षित करें, और इसके लिए आपके पुलिस सिस्टम, न्याय प्रणाली सबको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। अब नजर खबरों पर। नवरात्रि के दौरान गुरुग्राम में हिंदू संगठनों द्वारा मीट शॉप की दुकानें जबरन बंद कराई जा रही है। इन संगठनों का आरोप है कि मीट शॉप मालिकों के पास लाइसेंस नहीं है। हालांकि मीट शॉप मालिकों का कहना है कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। आपको बता दें कि ये संगठन पूरे 10 दिन तक मीट शॉप को बंद रखवाना चाहते हैं। I'm hereby joined by Kulbhushan Bhardwaj, who is a member of the Sanyukt Hindu Sangharsh Samiti. Sir, आप लोगों ने जाके थोड़ा हंगामा किया है, सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जाके बोला है कि मीट शॉप्स हैं, मीट शॉप ओनर्स हैं, उनको दुकान बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है, जबकि MCG कमिश्नर है, उनको अब तक कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। देखिए, जब समाज के अंदर कोई भी गलत चीज़ होती है तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका दायित्व तो बनता है कि वो लोग वहाँ पर जाएं, समाज के बीच में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि भाई ये गलत काम हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का केवल यही एक उद्देश्य मकसद है कि जो अवैध मीट की दुकानें यहाँ पर चल रही हैं, और विशेष तौर पर जो हमने आह्वान भी किया था कमिश्नर, निगम कमिश्नर के पास भी हमने ज्ञापन सौंपा था कि भाई इनको तुरंत बंद किया जाए, और नवरात्रि भी चल रहे हैं तो हिंदुओं की जनभावनाओं को देखते हुए, आस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर शीतला माता का मंदिर भी हमारे यहाँ प्रांगण में है, तो हमारा आग्रह और निवेदन था कि आप अपनी 9 दिन तक इन मीट की दुकानों को आप बंद करें। सर, आपकी प्रॉब्लम इलीगल से है, इलीगल मीट शॉप से है कि क्योंकि वो मीट शॉप है इससे आपकी प्रॉब्लम है? बिकॉज वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, हमारे वहाँ पे मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तीनों बहुत से आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे को सबसे पहले तो हमने कानून की बात की, कानून सम्मत बात की कि उनके पास अवैध जो मीट शॉप है वो बंद होनी चाहिए। सर, वन मिनट, हु इज दिस, आप समिति कौन होते हो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने वाले, जबकि MCG ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है? मैंने कहा कि हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है, हमने कहा है उनको केवल इतना कि समाज में जब कहीं पर कुछ गलत दिखाई देता है तो हम एक संदेश के रूप में वहाँ से उन लोगों को, हम प्रचार प्रसार के रूप में और शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँचे कि समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों ने एक संदेश देना चाहते हैं अपनी यात्रा के माध्यम से, अपने बैनर के माध्यम से, कि यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको बंद किया जाए।
सर आपको नहीं लगता ये इशू पूरा हिंदू मुस्लिम का है, क्योंकि कितनी सारी किरानों की दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी चल रहे हैं, लेकिन अभी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है किरानों की दुकानों के लिए? नहीं देखो, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई हिंदू या मुस्लिम की बात करनी है। हमारा केवल एक उद्देश्य है, वो चाहे दुकान किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, वो जो दुकानें गलत तरीके से बगैर लाइसेंस के चल। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा जरूर देखिएगा आज रात 8 बजे, लेकिन नेशन नाउ में फिलहाल इतना ही, बने रहिए मेरा नाव के साथ।